नमस्कार। कोई माने या न माने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व राजनीति में गजब कर दे रहे हैं। उत्तर कोरिया को रास्ते पर ले आ रहे हैं, चीन को व्यापार में कस दिया है, यूरोपीय संघ को भी अमेरिका फर्स्ट की अपनी नीति से हैरान परेशान बनाया है। इसराइल की राजधानी यरूशलेम को मानकर पश्चिम एशिया में हंगामा किया, तो ईरान के साथ एटमिक करार तोड़ा। उधर रूस के खिलाफ ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं कि राष्ट्रपति पुतिन बिलबिलाए हुए हैं। कई लोग डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति को सिरफिरे की बेअदब सोच मानते हैं, मगर ऐसा है नहीं। उनकी नीति से अमेरिका के हित सदे हैं। अमेरिका की आर्थिक खुशहाली बढ़ी है, वहाँ बेरोजगारी घटी है, तो दुनिया में कट्टरपंथी इस्लाम का जिहादी मिशन थमा है। तभी डोनाल्ड ट्रंप का लोहा अब वैश्विक राजनीति में इमेज पा रहा है। इस पर अब मेरी वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक से बातचीत है। वैदिक जी, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आपकी राय अलग रही है। आप उन्हें सिरफिरा कहते रहे हैं, मानते रहे हैं, लेकिन पिछले एक साल में जितने साहसिक काम किए हैं विदेश नीति के संदर्भ में रिश्तों को लेकर, उससे अमेरिका के हित क्या सधे नहीं है? और उस नाते उनकी विदेश नीति और उनकी खुद की इमेज क्या बेहतर हुई नहीं मानी जानी चाहिए? देखिए, बहुत से अमेरिकी साथियों से मेरी बात होती है जो मेरे साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे किसी ज़माने में। वो लोग तो ट्रंप की बड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि पिछले साल डेढ़ साल में ट्रंप ने इतनी गुलाटियाँ खाई है, इतने उठपटांग दिखने वाले काम किए हैं, उन सब से उसका एक नारा बड़ा मजबूत हुआ है। उसका नारा क्या है? अमेरिका फर्स्ट, सबसे पहले अमेरिका। और इसको सही साबित करने के लिए भारत जैसे देश के साथ गलबैया डालने के बावजूद वो हम पे तरह तरह के प्रतिबंध लगा रहा है, वीजा के प्रतिबंध लगा रहा है। हमें कोई रियायत नहीं दी जो हमें उम्मीद थी। हाँ, कोई नहीं। उसके बावजूद हमारी सरकार बिल्कुल उसकी अनुगामी नहीं बनी हुई है। नहीं तो यही स्थिति देखा जाए तो चीन के साथ भी है। चीन को टाइट कर दिया, यूरोप के साथ किया, सऊदी अरब के साथ भी सौदा भी पटाया और डराया भी। पहले सारे दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ चुनाव अभियान के दौरान जबरदस्त हल्ला मचाते थे ट्रंप। नहीं, हल्ला भी मचाया और फिर नहीं फिर उसके बाद आदेश भी जारी किया बकायदा अपने दस्तखत से कि हाँ, लोगों की पाबंदियां की है यात्रा पर। आतंकवाद को खत्म करने के लिए जिन देशों को आतंकवादी समझते थे उन देशों के साधारण नागरिकों पर भी रोक लगा दी। इस तरह के कई काम किए जैसे यूरोपियन देशों को इतना हड़का दिया। किस प्रधानमंत्री, किस राष्ट्रपति को उन्होंने दाएं हाथ बाएं हाथ न लिया, सबको खदेड़ दिया और यूरोप को भी एक कोने में बिठा दिया। ब्रिटेन जो कि ये समझता था कि अमेरिका को डिप्लोमेसी उसने सिखाई है या अमेरिका की विदेश नीति को वो चलाता है, उस ब्रिटेन को अभी तक किनारे किया हुआ है, उसको डोनाल्ड ट्रंप पूछता नहीं है। ईरान जो कि दुनिया का सबसे बड़बोला देश है, कि जो सबको, जो रूस को कहता था कि छोटा शैतान है और अमेरिका को कहता था एक बड़ा शैतान है, उस ईरान की भी खाट खड़ी कर रखी है। वो गलत है मेरी राय में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक बात सही भी है कि ईरान दबे छुपे अगर बम बनाएगा तो वो उसको बनाने नहीं देंगे। कई मांग जो 8-10 मांगे रखी है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें से कुछ ऐसी हैं जो जायज हैं, जो ईरान को मानना चाहिए, और जिन 6 देशों ने ईरान से समझौता किया है उनको ईरान पे दबाव डालना चाहिए। लेकिन जो भी है, ट्रंप अपनी जगह अड़े रहते हैं, कभी वो मीठे होते हैं, कभी कड़वे होते हैं, राजनीति का। और सबसे बड़ी बात, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग के साथ भी उनकी उन्होंने डिप्लोमेसी कर डाली है। देखिए, किम जोंग से उन्होंने काफी सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया और किम जोंग ने और भी उनको गालियां दी फिर भी, लेकिन इसके बावजूद वो गरम नरम एक साथ चलाते नहीं गरम, और उसके साथ में चीन को इतना दबाया कि किम को बदलने के लिए मजबूर किया। और अब एक बात ये भी है, चीन को साइडट्रैक कर दिया। चीन उनका सबसे बड़ा संरक्षक था उत्तर कोरिया का, उससे पूछे भी नहीं किम ने काम शुरू कर दिया। अब किम चीन होके आए हैं जब सारी बात हो गई तब, और कभी टूटती है कभी बनती है, कभी टूटती है कभी बनती है, लेकिन जिस तरह से चल रहा है मामला उससे लगता है कि ट्रंप जैसा
एक अनगढ़ आदमी जिसको राजनीति का, शासन का, प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था, वो कई और राष्ट्रपतियों से अमेरिका के, अभी अमेरिका के हित साधने में बेहतर काम कर रहा है। और एक और आप देखिए कि बहुपक्षीय सबसे बड़े जो समझौते हुए हों, भले वो जलवायु को लेकर हुआ हो, भले वो विश्व व्यापार संगठन WTO का मामला हो, उन सब को एक तरह से छिन्न भिन्न करने पर आमदा है, लेकिन दुनिया कहीं कोई कुछ कर नहीं पा रही है। हाँ, कुछ नहीं कर पा रही। तो ये जैसे मेक्सिकन लोगों को, लोगों को भी ट्रंप भड़काता रहता है, हालांकि वो अभी तक वहाँ दीवाल नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोसेस चालू कर दिया, दिमाग में दीवाल खड़ी कर दी है सब, अभी जमीन पे नहीं खड़ी की है। नहीं तो इसीलिए अब आपका, आप भी क्या डोनाल्ड ट्रंप का पुनर्मूल्यांकन एक तरह से करने को मजबूर नहीं हो रहे हैं कि भाई देखिए कुछ भी हो, पर क्या इसका एक कारण ये भी हो सकता है वैदिक जी कि अमेरिका क्योंकि वैश्विक तौर पर सचमुच में नंबर वन है, दादा है, तो वो उसका राष्ट्रपति कुछ भी करेगा तो वो अंततः प्रभावपूर्ण होगा। हाँ ये तो है। हाँ मतलब अमेरिका और इस और इसको राजनीति प्रभाव पड़ेगा। हाँ और ये ओबामा और ये नहीं कर पाए, उसने उस पावर का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल किया डोनाल्ड ट्रंप ने। हाँ ये है, कई बार ये होता है कि जो आदमी पहले से बहुत पट्टियाँ नहीं पढ़ी हैं जिसमें, हाँ हाँ हाँ, उसकी इबारत काफ़ी साफ होने लगती है। हाँ जो आउटसाइडर होता है, उस नाते एक मेरा पहले ये मानता था कि नरेंद्र मोदी भी दिल्ली के आउटसाइडर प्रधानमंत्री बनकर आ रहे हैं, इसलिए शायद वो बहुत चमत्कारिक काम कर लें कई मामलों में, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह तो विदेश नीति में और उसमें तो एक तरह से सफल तो नहीं हो पाए। नहीं वो तो मोदी का दुर्भाग्य है कि 30 वर्ष में इतना स्पष्ट बहुमत जिस आदमी को मिला हो, जी 325-350 सांसदों का साथ रहा हो, उसने उस अवसर का सदुपयोग ही नहीं। उस नाते आप जो राष्ट्रवादी नेता दुनिया में जो पिछले 5 सालों में बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप उन सबसे ज़्यादा बेजोड़ एक तरह से साबित होते हुए लगते हैं क्या वैदिक जी? मुझे तो नरेंद्र मोदी के बारे में ये लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप के वो अच्छे शिष्य सिद्ध होंगे, उसको गुरु धारण करेंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक बड़ा अजूबा समझो प्रपंच है, फिनोमिनन है, जो कि अमरीकी विश्लेषकों को भी हैरान किया, स्तंभित कर रहा है, चकित कर रहा है, और हम लोगों के लिए भी बड़ा विचारणीय है कि भारत का कौन सा फायदा ट्रंप ने किया है वो हमारे समझ में नहीं आता है, सिवाय इसके कि पाकिस्तान के साथ वो सख्ती बरत रहा है, लेकिन सख्ती भी बरत रहा है और नरमी भी बरत रहा है। मेरे ख्याल से उसका कारण ये हो सकता है कि ट्रंप जो है वो व्यापारी आदमी रहा है, एक बनिया बुद्धि उसमें है, व्यवहारिक बहुत है, और नरम और गरम सब एक साथ चलाता है, क्योंकि उसको अपना लक्ष्य पूरा करना जी, 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 और लक्ष्य सिद्धि ट्रंप कर ही रहा है, कोई शक नहीं है। लेकिन मोदी को चाहिए कि ट्रंप को वास्तव में गुरु धारण करे, साल भर बचा है, अगर इसमें वो कुछ देश के लिए कर सके, ठोस उपलब्धियां हो सके, तो अद्भुत काम हो जाए। जी वैदिक जी, बातचीत यहीं समाप्त करेंगे, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है प्रोग्राम जचा होगा, अपनी राय, अपना सुझाव कमेंट लिखे भेजे। यदि सोशल मीडिया की कोई बात मुझसे शेयर करनी हो तो मोबाइल नंबर 0971774-8382 पर मुझे भेजें। आपसे रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे हुए सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं। वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले। धन्यवाद। नमस्कार।